पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंजना जी मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ, विपक्ष में है खलबली, भारतीय राजनीति का एक ही है बाहुबली और वो है नरेंद्र मोदी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चाहे कोई नेता हो, केंद्र से हो, प्रदेश से हो, हम लोग गौरवान्वित है कि हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। तो क्या नाचो भाई? जब 2024 के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो 400 से ज्यादा सीटें पाएगी। अच्छा जुम करो जुम करो जुम करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा विपक्षी दल भी ना हो और सिंगल डिजिट पार्टी हो जाए। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बोल बोल। जो बड़े संदेश हैं हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो मोदी जी की गारंटी है ना, इसके सामने सब फेल है। अच्छा मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया, वो बात पूरी होगी। आर यू कॉमेडी मी? Here I come. ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए ये जुमला है, लवणे न भोजन। दूसरी बात, सनातन धर्म को गाली ना देना। जल्दी वहां से हटो। लेकिन एग्जिट पोल की शाम आप मुझे कह रहे थे सर कि मध्य प्रदेश का क्या, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत के दिखाए मोदी तब मानेंगे, तो अब मान गए क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 10 लाख टोटल वोट के करीब ज्यादा मिले। अहंकार की भाषा मोदी जी सुबह से पार्लियामेंट के बाहर से और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी उनको सनातन, राम मंदिर, रामचरितमानस इन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आलोक जी, जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सिर झुका रहे थे कमलनाथ, तो वो क्या कर रहे थे? रुक तेरे को बताते, तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए मैं समझता हूँ कि वो अपनी निजी आस्था है, धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर हमने कोई वोट तो नहीं मांगे या धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे लिए वोट तो नहीं मांगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर कन्हैया के नाम पर वोट मांग रहे थे तो वो वोट मांगना था। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? ये दो चीजों में फर्क है। अब बात आती है मोदी जी की गारंटी की। दुर्भाग्य है कि 2014 के भाषण अगर मोदी जी स्वयं भी सुन लेंगे तो पूरे पैनल जो यहाँ पर बैठा है उसको पूरी तरह से लज्जा आएगी। बात तो सही है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। राजस्थान में भी जिस तरह के सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजे गए वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने वाले थे और ध्रुवीकरण सबसे बड़ा नकारात्मकता का हथियार है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि हिंदू मुसलमान में समाज को बांटिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। लेकिन आज मोदी जी शायद ये बचाना भूल गए कि 4 राज्यों में आज भी कांग्रेस की 10 लाख वोट ज्यादा है और हमें तो आज पता चला, बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना होकर देश के बाहुबली हैं।